नेतिया धोबिन घाट पे गा रही है क्या? अरे लुगावा धोत रे धोत बहली दुपहरिया ना, लुगावा धोत रे धोत फूटल तक फूटल जल में जरत बाई शरीर घर में तवर लेके नायली सहेली देख बिहुला भर नजरिया आय हाय बिहुला देख रही है कपड़ा धोए एक कगरिया तबले भैल का तबले पहुंचल बिहुला नेतिया के कगारिया नेतिया धोबिन के पास चली जाती है बिहुला और अपनी कहानी सुना रही है क्या? ये बहनी सुनी ले बुयारा जा हमारन हो राम बहनी कोई देबू एक बहनी कोई देबू एक मोर उपकार हो राम ये बहनी तोहारी हो सपना बहनी तोहारी हो सपना हमारा दिला हो राम बचलिया जब सुने नेतिया धोबिनी अरे सुने नेतिया धोबिनी नरम से देह सजा बादल हो राम जवाब क्या दे रही है कि तुहरे करना है बहनी ता जब अपन जाना यार तो जब अपन छूटना बचनिया बा हमारन हो राम
यह बात सुनकर के नेतिया धोबिन उसके साथ हो जाती है, करे ये कि बहन चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो नेतिया धोबिन अपने साथ लिवा करके चली जाती है, दानव के नगर की तरफ बढ़ जाती है। उस समय एक ठीक निर्गुण यागल हमारे दिमाग में यह संसार कागज की पुड़िया। अरे बुंद परत गल जाना है रह नाना जता बेगाना है। अरे यह संसार जंगल या झाड़ी, अरे आगे लगत जर जाना है रह नानक का बेगाना है। यही गाती हुई नेतिया धोबिन और बिहुलाम दोनों चल देती हैं। नेतिया जो है कह रही है कि बहन दानव अब किन्नगर जो है करीब आ चुकी है, यहां से जाने के बाद वहां तुमको मौसा और मौसी कह करके पुकारना होगा। दानव को मौसा कहोगी और दानवी को मौसी, तब तुम सफल हो पाओगी, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगी। वह बिवला चल देती है। अरे राम भजा राम जी का नाई सीरीज का ट्रेडमार्क देखना न भूलिए। आर सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन। बिहुलाए रामा जादू की होना बारिया
भैली डहरिया रामा वह भीवला रानी जादू के नगर में पहुंच जाती है। इधर नेतिया धोबिन भी उसके पीछे पीछे छुपी रहती है ताकि वह दानव जान न पाए। इस बात को भीवला जानकर जब दानव के यहाँ पहुंची है तो उस समय दानव से क्या कह रही है। सुनबा ये मौसा सुना बात सुन पाए मौसा हमारी हो बा जानिया मौसा मौसी से मी लाई दे बाप मौसा क्यों मिला हो जा रानिया इतनी बात जब दानव सुनता है तो कहता है कि अरे आज तक तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं हुआ लेकिन ये कहाँ से आ गई। जब ये बात सुनती है तो बहाना बनाती है कि मौसा मौसी की जब शादी हो गई उसके बाद मेरा अवतार हुआ। तब जान करके दानवी भी आती है उससे परखने के लिए जानने के लिए उसे लोहे का चना देती है कि अगर लोहे का चना चबा लेगी तो मैं जान जाऊंगी कि ये मेरी बहन की लड़की है। लेकिन उधर उसके भी देवता साथ साथ गए थे तो पुकार रही है अरे सुनबा हो दे Para
लिबी पतिया रे देवता, पड़ लिबी पतिया रे देवता, मोखा ना होता हारावा। पुकार रही है गरुण देवता, दर्शन देते हैं, कहते हैं बिहुला लोहे का चना मेरे पास भेज दो और असली चना मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, उसको खा लो। यही बात हुई, बाहरे भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अब उधर जलती हुई कड़ाही के तेल में बिहुला को कही कि इसमें तुम खड़ी हो जाओ, तब तो मैं मानूंगी कि तुम मेरी बहन की लड़की हो, नहीं तो कभी नहीं मान सकती हूं। दानवी जब ये बात बोली तो वहां भी सुमिर करके वह उस कड़ाही में प्रवेश कर गई, फिर उसमें से बाहर आई। ये सब जान गए कि ये मेरी बहन की ही लड़की है, वो समझ गए दानव जी की मेरे साधु की ही लड़की है। जब ये बात हो गई तो उस समय कहे लागल बिहुला वो दानव से, सुन बात तू सुन बाया मौसा, हमारी हो बचानिया, भूख हमके लगी गई ये मौसी, भूखिया हमके लगली ये मौसी, जरत बाहो सारी रिया जब ही बात करत कि मौसी हमरा के भूख लगल बा, तनी हमरा के कुछ खिया दो मौसी, कुछ खिया दो मौसी, कुछ खिया दो। औरत का जात दयालु, चल दिली भोजन का इंतजाम करे, तब तक नेतिया बता दलस कि पूछ ला हो कौन कौन चीज बाए। वो पूछे लागल कि ये मौसा, अरे हाई सात थे हाई छठे मुड़ी बाहो, ई केकर बाए। तब वो दानो कलर के, रे बहनी ई जान जा कि चंदुल राजा चंदुलपुर के हैं, चंदुल शाह, उनके छह बेटों की ये मुड़ी है। विशहर पंडित ने छह बेटों को मार करके हमें लोगों के पास रखा है, लेकिन अब अंतिम बारी आने वाला एक है जिसका नाम है बाला लखंदर, वो अभी तक आया नहीं, न जाने कहाँ है, भटक रहा है। ये बात जब जान गई तो चुप साथ गई अपने को। वह बिहुला पूछे लागल सुग्गा या सुग्गी रहलन, वही में वो दोनों ठोन का प्राण बसत रहल। जब सुगिया सुगवा के पूछलस तो कहे कि ए मौसा ई कौन चीज हो, तब दानव कहे लागल बहनी ए सुगवा और ए सुगिया में हम दोनों प्राणी का प्राण बसेला, अगर ये खत्म हो जाए तो हमनियों को खत्म हो जाल जाई, एक एक ठे पाँख टूट जाए तो हमनी का एक ठे हाथ टूट जाई, एक एक ठे पाँव टूट जाए तो हमनी का एक ठे पाँव टूट जाए। जब कुल बात जान गई तब तक यो बेचारू अपन चल गए ओकरे खातिर भोजन इंतजाम करे खातिर, तब तक नेतिया पहुँच जात बाय। नेतिया पहुँच के कर सिंह, बहन बेहुला तुम क्यों देरी कर रही हो, यहाँ से सबको लेकर भाग चलो। जब भागने लगती है तब तक दानव को मालूम हो जाता है, दानव पीछा करने लगता है। पवन ने खबरिया दानव धैले
या बड़ा हरिया ये नामा या बड़ा हरिया हो पिछवा से कई लाला कारण हो सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन। भागत भागत थक गईली बिहुला सुकुमारिया हो अखिया से बह जल भायल हो राम बचनिया नतिया बोले ते ही धारिया यारे धारिया हो अपने हाथ गर्दन देले अलगाई न हो राम नितिया जब उन्हन के पोछियावत देखस बस उनको उन्हन का गर्दनवा धोई के एक बेर में एकदम दुई टुकड़ा कई दिहलस वो दोनों परानी अपन मर गए। आ ये छह गो लड़िकन का छठे भसुरन का मूड़ी लेके ई बिहुला आइल आप अमृत का घड़ा वो बतौले ना रहन लेकिन नितिया कलस की देखा हो अमृत का घड़ा है लेल चला है जो घरमा अपने छिड़क देबू तो तुहार भसुर आ पति सब केहू जिंदा हो जाई। अब ई बात जब पाई गेल बिहुला तब अपनी कुल लेख देके आइल थोड़ी दूर अइला की बाद अपने पति को और छह भसुरों को एक लाइन में सुला करके अमृत का घड़ा जो है ला करके अमृत थोड़ा थोड़ा अमृत सबके मुंह में डाल देती है। छह भसुर और एक पति जिंदा हो जाते हैं। ये रामा आपा न हो साजनावा ये रामा आपा न हो साजनावा बिहुला पावले हो राम ये रामा आपा न साजनावा बिहुला पावले हो राम ये रामा बिहुला पावले हो राम ये रामा छवा गोरे भासुरावा रामा छवा गोरे भासुरावा के हाथे से जिया वैले हो राम ये रामा छवा गोरे भासुरावा के जिया वैले हो राम ये रामा छवा गोरे भासुरावा के अपने जिया हो राम ये रामा हंसा तारे खेलता रामा हंसा तारे गावत घर आया हो राम बाबू बाबू कही के रामा बाबू बाबू कही के बेटा धावल हो राम रामा बाबू बाबू कही के बेटा धावल हो राम ए रामा बाबू बाबू कही के बेटा धावल हो राम अरे रामा बाबू बाबू कही के बेटा धावल हो राम ये रामा राजा ताजा सब
रामा राजा ताजा सब मिल के पावल हो राम धर के तुरते बुलावा हो राम रामा ले तालवारिया तब धावल हो राम ये रामा पूरा हो बादलावा बिसर से चुकावैले हो राम बिसर उधर बिसर जो है जब जान जाता है कि बिहुला ने जिंदा करके सभी को लेकर आ रही है तब तक बिसर एकाएक टूट पड़ता है। छह लड़के वो और एक बाला लखंदर सात मिलकर के बिषहर को खत्म कर देते हैं। बिषधर वहीं उनकी आत्मा साथ छोड़कर प्राण पखेड़ू उड़ जाते हैं। राजा और रानी छह लड़के अपना राज और ताज को चलाने लगे। जो जो सामान हाथी हाथी खाने में सो गई थी समझे या मर गई थी सभी लोग उनका जैसा राज था वैसा हो गया। ए रामा बिहुला कहो कहानिया रामा बिहुला कहो कहानिया हीरा सुना वैले हो राम देखें हर घर में ऐसी नारी मिले। देखें सच्चाई पर रहते हुए जब अपने ससुर के यहाँ गई तो उसका क्या हुआ। बिषधर पंडित जी के पास गई तो उसको किस तरह से ठुकराया गया। दर दर की ठोकर खाती हुई अपने असलियत को कायम करके इस समाज में नाम कर दिया। अब यहीं से बिहुला का नाम शुद्ध हो गया सती बिहुला की। वही तुरंत गरुड़ देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बिहुला इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम रहेगा। ये रामा बिहुला कर कहानिया हीरा सुना वेला हो राम हीरा सुनावला हो राम। ए रामा यार सिरिज पिसियाई रामा आर सिरिज पिसियाई कंपनी में गावला हो राम कंपनी में गावला हो राम।
खेती में गावैले हो राम। ये भैया तोहरा के, भैया तोहरा के मऊ में बोलावैले हो राम। आर सीरीज का पैगाम, आर सीरीज का ट्रेडमार्क देखना न भूलिए। आर सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन